राजीव ईशा को सीधे अपने बेडरूम में ले गया। उसने उसे बेड पर लिटा दिया, एक ग्लास पानी लिया और फिर उसे दिया। ईशा ने पूरा ग्लास पानी पिया और उसके बाद उसने राजीव को एक नजर देखा। उसकी नजर को देखकर राजीव ने सांस ली और कहा, सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा, इसके लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। राजीव ने उसके हाथ से ग्लास लिया और उठ गया। इससे पहले कि वह आगे जाता, ईशा ने कहा, ऋषि और डैड मेरी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं। ये सुनकर राजीव अपनी जगह पर रुक गया। ईशा ने कंटिन्यू किया, मैंने सुना है कि फैमिली ओल्ड जेनरेशन से यूएस आर्मी में है। उसने राजीव को देखा, यू नो व्हाट आई मीन राइट? राजीव की बॉडी स्टिफ हो गई। उसने ग्लास को टेबल पर रख दिया और ईशा के पास चला गया। वह बेड पर उसके पास बैठ गया और उसकी फिंगर्स को एक साथ पकड़ते हुए पूछा, तुम क्या करने का प्लान कर रहे हो? ईशा ने कुछ बोलने से पहले स्माइल दी, मैं प्रपोजल को एक्सेप्ट करने की प्लानिंग कर रही हूं। राजीव ने ईशा को देखा, उसकी आवाज में चिंता थी। जैसा कि उसने पूछा, जब तुम्हें 4 साल पहले की सिचुएशन पता है तो तुम पागलपन क्यों कर रही हो? ईशा ने अपनी गीली आंखों से उसे देखा। उसकी आंखें प्यार से भरी थी। उसने रिप्लाई दिया, 4 साल पहले क्या तुमने मुझे छोड़कर मुझे प्रोटेक्ट नहीं किया था? तुमने मेरा कंसेंट भी नहीं पूछा। 4 साल बाद मुझे तुमसे दूर जाने दो, इस तरह से सब सेफ रहेंगे। राजीव की पूरी बॉडी ने शेक करना स्टार्ट कर दिया। उसने अपने दोनों हाथों को पकड़ लिया और पूछा, तो तुम मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने का प्लान कर रही हो? ईशा ने सैडली स्माइल की। उसने उससे पूछा, क्यों, क्या तुमको नहीं लगता कि यह एक अच्छा आइडिया है? राजीव ने उसे दोनों साइड से पकड़ लिया और कहा, क्या तुमको लगता है कि मैं किसी दूसरे आदमी को तुम्हारी बॉडी को टच करने दूंगा? ईशा ने सोचा कि उसने एक जोक सुना। वो हंसी और उससे आगे पूछा, ठीक है, अगर ऐसा है तो तुमने मेरे साथ ब्रेकअप क्यों किया? राजीव रुक गया। वह वापस बात नहीं कर सकता था। उसके फेस के एक्सप्रेशन देखकर ईशा की आंखें सडनली लाल हो गईं। उसने उसके बाएं गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज रूम में गूंज गई। राजीव को अपने गाल पर एक शार्प पेन फील हुआ, बट ना तो उसने अपने गाल को टच किया और ना ही उसने कुछ आवाज की। वह जानता था कि वह इसे डिजर्व करता है। ईशा ने उसके चेस्ट पर पंच मारना स्टार्ट कर दिया। वो रो रही थी और गुस्सा होते हुए कहा, तुम मेरी लाइफ में क्यों आए? तुमने मेरी लाइफ को इतना मिजरेबल क्यों बना दिया? अब तुम देखना कि आगे क्या होता है। बस मुझे एक दूसरे आदमी के साथ शादी करते हुए देखना, उस आदमी को मुझे मेरी डेथ तक टॉर्चर करते हुए, मेरी बॉडी को टेस्ट करते हुए देखना, बस मुझे देखना उस आदमी के बच्चों को कैरी करते हुए जिसने हमारी लाइफ को उल्टा कर दिया, बस देखना। उसके पेनफुल वर्ड्स को राजीव की सडन किस ने कट कर दिया। ईशा ने पीछे हटने का ट्राई किया, बट उसने अपने लेफ्ट हैंड से उसके हाथों को पकड़ा और अपने राइट हैंड से उसके सिर को टच किया। राजीव का किस पैशनेट था। उसने उसके पिंक लिप्स को पकड़ लिया। वो अट्रैक्टिव लिप्स हनी की तरह थे। राजीव के वार्म लिप्स के टच से वो मेल्ट हो गए। उसने 4 साल से उन्हें टेस्ट नहीं किया था। उसने अपने दिल के अंदर जिस पैशन को दफन कर दिया था, वह जलने लगा था। उसने उसे किस और उसके लिप्स को बाइट करके उसके पास कोई चॉइस नहीं छोड़ी कि वह अपनी बॉडी को उसे सरेंडर कर दे। ईशा को इस तरह के पैशन की आदत नहीं थी। पास्ट में उन्होंने एक दूसरे को सिर्फ 2 बार किस किया था। फर्स्ट किस एक एक्सीडेंट था, सेकेंड किस एक लाइट किस था। इसलिए उसे राजीव की डिजायर वेरीफाई करने का कभी चांस नहीं मिला। वह नहीं जानती थी कि यह बहुत डीप है।
ईशा की पूरी बॉडी कांपने लगी क्योंकि वह हॉट फील करने लगी थी। उसकी सांसें इररेगुलर हो गई, उसका दिल थोड़ा क्रेजी हो गया, उसकी आंखें टियरी हो गई और माइंड एकदम ब्लैंक हो गया। उसके लिप्स को टेस्ट करने के बाद राजीव ने उसके मुंह पर अटैक किया। उसकी टंग अंदर जाते ही ट्विस्ट हो गई और खेलने लगी। ईशा चौंक गई क्योंकि उसका मुंह उसकी टंग से फिल हो गया था। उसकी वॉर्म मॉइस्ट इंटेंस टंग नम होने तक उनके साथ खेलती रही। वह दूर जाना चाहती थी, राजीव ने भी उसे पुश किया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि वे सॉफ्ट बेड पर गिर गए। जब ईशा राजीव के अंडर थी, उसने उसके मुंह को छोड़ दिया। दोनों ने जोर से सांस ली, हवा गर्म थी, उनके चेहरे लाल थे। राजीव ने प्यार से उसके फेस को सहलाया। उसने कहा, ईशा मैं तुम्हें पहले की तरह कभी नहीं जाने दूंगा, मैं लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहने का प्रॉमिस करता हूं, प्लीज ईशा बी माइन अगेन। उसका प्रपोजल एक लवर की रिक्वेस्ट की तरह था जो मरने वाला था। ईशा की आंखों में फिर से आंसू भर गए। वह अपने हाथों तक पहुंची और उसके चेहरे को सहलाया। राजीव मुझे फ्यूचर में कभी हर्ट मत करना। राजीव की राइट आंख से आंसू की एक ड्रॉप ईशा के गाल पर गिर गई। उसने स्माइल करते हुए सिर हिलाया। आई प्रॉमिस मैं कभी नहीं करूंगा, लेट्स बी टुगेदर। वह उसके पूरे फेस को किस करता है और उसके आंसू अपने लिप्स से पोंछ देता है। जब वह उठने वाला था, ईशा ने अपनी बाहें उसके गले में डाल दी और फुसफुसाया, डोंट गो राजीव, मैंने बहुत वेट किया है। राजीव को पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही लड़की की डिजायर थी जो उसके पास थी। उसकी आंखें आग की लपटों में थी। उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? अगर मैं एक बार शुरू हो गया तो उसके बाद मैं रुक नहीं पाऊंगा। ईशा ने उसके फेस को खींचा और उसके लिप्स पर डीपली किस किया। उसके बाद उसने कहा, तो मत रुकना। राजीव अब और हेजिटेट नहीं हुआ, उसने उसे हार्डली किस किया। इस बार वो काफी हार्ड था। ईशा का माइंड और बॉडी उसके कंट्रोल में थी। धीरे धीरे उसका मुंह और नीचे चला गया। ईशा पैशन में रोई, उसका सिर फजी हो गया था। उसके दिल में छुपी आग उसकी पूरी बॉडी में फैल गई। उसने अपनी बॉडी को उसके नीचे दबा दिया। जब राजीव ने उसे देखा, उसके फेस को टच करते हुए विस्पर किया, क्या तुम्हें डर लग रहा है? क्या मुझे रुक जाना चाहिए? तब उसे रियलाइज हुआ कि राजीव की तरह वह पूरी तरह से नेकेड थी। उसे पता ही नहीं चला कि ये कब हुआ। उसके चेहरे पर खून दौड़ गया। उसने एम्बैरेसमेंट में कहा, डोंट लुक। उसने खुद को हाइड करने का ट्राई किया, बट राजीव ने उसके हाथ पकड़ लिए। उसने प्लेफुल वॉइस में कहा, तुम क्या कर रही हो? मुझे तुम्हें देखने दो। उसने उसकी बॉडी को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। लाइट ऑन थी, राजीव सब कुछ देख सकता था। ईशा शर्म से रोने लगी, राजीव तुम बहुत गंदे हो। राजीव दिल से हंसा। उसने पूछा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये तुम्हारा फॉल्ट है, मेरे प्यार में पड़ जाना और मुझे सिड्यूस करना? ईशा की आंखें लाल थी। उसने झिड़क दिया, किसने कहा कि आई लव यू, आई हेट यू? राजीव की आंखें छोटी हो गई। उसने डीप हस्की वॉइस में कहा, रियली? चलो तुम्हारी बॉडी से पूछते हैं। उसने उसके पैर स्प्रेड कर दिए। डोंट राजीव। ईशा ऐसे चिल्लाई जैसे उसे खुशी फील हुई हो। उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा कांप रही थी। उसने राजीव के सिर को पकड़ लिया। जब वो ऑलमोस्ट अपने क्लाइमेक्स पर थी, राजीव ने उसके लिप्स और फेस पर किस करते हुए पूछा, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? क्या मैं रुक जाऊं? ईशा की आंखें बंद थी, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं इसे हैंडल कर सकती हूं। ईशा ने अपना मुंह खोला और सांस ली।
और धीरे धीरे उसकी बॉडी रिलैक्स होना स्टार्ट हो गई और राजीव ने मूव करना स्टार्ट कर दिया। उनके हाथ एक दूसरे से मिले हुए थे। ईशा ने उसकी बैक पर स्क्रैच किया और उसके लिप्स को बाइट करने का ट्राई किया। उसके इंटेंशन को समझ के राजीव ने उसके लिप्स को डीपली किस किया। वह उसे अपने ही लिप्स का खून बहाने नहीं देना चाहता था। उनके पैशनेट फ्रिक्शन से रूम आवाजों से फिल हो गया था। रूम की विंडोज फॉगी हो गई थी। उनका लव मेकिंग उनके क्लाइमेक्स तक चलता रहा। राजीव ने ईशा के स्वेटी फोरहेड को किस किया और खुद को उससे दूर करने लगा। हालांकि इससे पहले कि वह ऐसा करता, ईशा ने उसके हाथ को पकड़ा और कहा, मत जाओ, ऐसे ही रहते हैं। अपनी अडोरेबल वाइफ की डिजायर सुनकर राजीव को काफी हैरानी हुई। ईशा की टायर्ड आंखें खुली रह गई। उसका फेस फिर से लाल हो रहा था। वह डर गई। अगेन, राजीव ने प्लेफुली स्माइल की। उसने कहा, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरी वाइफ मुझे सीड्यूस कर रही है, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। उसने उसे डीपली किस किया और उसके माइंड को ब्लैंक कर दिया। वो एक और राउंड के लिए चले गए। रात भी अब ज्यादा देर रुकने से शर्मा रही थी। सूरज ने बाहर आना शुरू कर दिया। ब्लूस्टोन बार। विशाल दोनों जिंदल भाइयों के एक्शंस को देखने के बाद पूरी तरह से स्पीचलेस था। उसका फेस उसके नोटिस के बिना लाल हो गया। उसने उस जगह को देखा जहां कुछ समय पहले अंजलि बैठी थी। एक फेस को रिकॉग्नाइज करते हुए उसकी आंखें सिकुड़ गईं। क्या ये शाह कॉरपोरेशन की निया शाह है? इसलिए अंजलि ने खुद को एक साथ दो अमीर खानदानों की लड़कियों के साथ रैप कर लिया। ये लड़की पक्का कोई लोकल नहीं है। वह रिच लोगों को अट्रैक्ट करती है जैसे शहद मक्खियों को अट्रैक्ट करता है। वह गुस्सा हुआ और निया की ओर चला गया। क्या मुझे उसे छोड़ देना चाहिए? बट एक क्लोज जान पहचान होने से मैं ये कैसे कर सकता हूं? मुझे उसे उसके घर या एक सेफ प्लेस पर ले जाना चाहिए। विशाल ने थोड़ा सा खांसा और पूछा, मिस निया, क्या आप ठीक हैं? उसने थोड़ा वेट किया बट उसे कोई रिप्लाई नहीं मिला। उसने फिर से पूछा, मिस निया, फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आया। इस बार उसने हल्के से उसे हिलाया। नशे में निया थोड़ी सी हिली। ऐसा नहीं था कि वह ड्रीमलैंड से उठी थी। विशाल के हल्के झटके ने उसे नीचे गिरा दिया था। विशाल ने उसे टाइम से पकड़ लिया। उसने सांस ली। वह उसे अकेला छोड़ना चाहता था बट उसने कुछ लड़की को उसकी ओर देखते हुए देखा तो उसने उसकी हेल्प करने का सोचा। उसके राइट हैंड को अपनी नेक के चारों ओर और उसने अपना लेफ्ट हैंड उसकी वेस्ट के चारों ओर घुमाया। वह धीरे धीरे डोर की ओर चला। इससे पहले कि वह निकलता, उसने अपने मिस्टीरियस फ्रेंड को गुड बाय कह दिया। विशाल ने ड्राइव किया और उसे अपने घर ले गया। उसने उसे गेस्ट रूम के बेड पर नीचे लेटा दिया और बाहर जाने लगा। तभी एक स्ट्रॉन्ग हाथ ने उसकी शर्ट पकड़ ली और उसे बेड पर फेंक दिया। विशाल एक डॉक्टर था, मार्शल आर्टिस्ट नहीं। वो एक मार्शल आर्टिस्ट के अगेंस्ट कभी नहीं जीत सकता था, भले ही वो लड़की ही क्यों ना हो। वह बेड पर रफली लैंड हुआ था। उसके पेट में स्टोर सारी ऑक्सीजन बाहर निकल गई थी। उसका सिर कुछ देर तक घूमता रहा। इससे पहले कि वह रियलाइज कर पाता कि क्या हुआ, एक सॉफ्ट और स्ट्रॉन्ग बॉडी उसके ऊपर आई। तभी उसे एक मीठी आवाज सुनाई दी, ओ माय, क्या यह जिंदल फैमिली का फेमस डॉक्टर है? मुझे लगा कि आप एक जेंटलमैन हैं। कौन जानता था कि आप भेड़ के कपड़ों में भेड़िया है? नशे में लड़की बोलती रही, वाइल्ड या नहीं, निया अपनी सेक्सी बॉडी के लिए फेमस थी। अभी वह नशे में थी और एक रिवीलिंग ड्रेस पहने हुए थी। रात के बीच में कौन सा आदमी इस तरह की छेड़खानी को मना कर सकता है? विशाल का दिल हिल गया और उसने कहा,
देखिए ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था, मैं तुरंत यहाँ से चला जाऊंगा। निया हंसी, इतनी जल्दी क्या है, क्या तुम मेरी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे हो, क्या तुम मेरा एडवांटेज नहीं उठाना चाहते? उसने अपनी बॉडी उसके अगेंस्ट रब कर दी। विशाल ने सोचा कि उसके दिल में कुछ पोक कर रहा है। उसने जल्दी से रिप्लाई दिया, मिस निया, अगर मैं उस तरह का आदमी होता तो मैं होता, मुझे एक ड्रंकन औरत पर फोर्स करने की कोई डिजायर नहीं है। ये कहते हुए उसने उसे धीरे से हिलाया और रूम से बाहर चला गया। निया ने स्माइल की, जैसे उसकी आंखें चमक उठी। उसने उसे दिमाग में कहा, हमेशा की तरह प्योर है, व्हाट एन इडियट। ब्लू स्टोन बार। जब राजीव वहां से निकला, उस मिस्टीरियस आदमी ने बार के चारों ओर देखा। वो अकेले ड्रिंक करना चाहता था, बट उसे बैठने के लिए एक परफेक्ट प्लेस नहीं मिला। जय उसके पास आया और कहा, बहुत टाइम हो गया सर। मिस्टीरियस आदमी ने रिप्लाई में सिर हिलाया और उस सेक्शन को भी देखा जहां पहले अंजलि और उसकी फ्रेंड्स ड्रिंक कर रही थी। दिया अभी भी वहां थी, बट वह पहले से ही बंद कर चुकी थी। उस आदमी ने सोचा कि अगर वहां बैठता है तो ये कम से कम प्रॉब्लमैटिक होगी। वह वॉक करके उस सेक्शन में गया और कॉर्नर में बैठ गया। उसने उसके और जय के लिए कुछ कॉकटेल ऑर्डर किए। जय ने उसे डिस्टर्ब, जय जानता था कि इस आदमी को चुप रहना पसंद था, इसलिए उसने उस साइलेंट आदमी को ज्वाइन नहीं किया और एक बारटेंडर के सामने एक चेयर पर बैठ गया। मिस्टीरियस आदमी ने एक येलो कॉकटेल का सिप लिया और अपने पास बैठी लड़की को ऑब्जर्व किया। उस पोनीटेल वाली लड़की ने अपनी फ्रेंड्स और वहां दूसरी लड़कियों की तरह रिवीलिंग ड्रेस नहीं पहनी थी। उसने एक वाइट टी शर्ट और एक ब्लैक स्कर्ट पहनी थी जो उसकी थाइस को कवर कर रही थी। वह अनएक्सेप्शनली स्किनी थी, उसकी स्किन प्योर वाइट जेट थी और उसके लॉन्ग ब्राउन बाल थे। उसका अट्रैक्टिव पार्ट उसके रेड लिप्स थे। उसका फेस प्लेन था और वह काफी अच्छी लग रही थी। उसके ग्लासेस बड़े थे और इसने उसे काफी अलग कर दिया था। उसे कुछ टाइम ऑब्जर्व करने के बाद उसने अपने फोन पर कॉन्सेंट्रेट किया। वह कुछ मैसेजेस चेक कर रहा था, तभी उसका मोबाइल बज उठा। उसने कॉल का आंसर दिया। यस, बिजनेस, यस, थैंक यू। उसने फोन काट दिया। उनकी छोटी सी बात ने दिया को जगा दिया। वह थोड़ा हिल गई। मिस्टीरियस आदमी ने उसकी तरफ देखा। धीरे धीरे दिया ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें स्लीपी लेकिन अभी भी शार्प थीं। जिस मोमेंट उसने अपनी आंखें उसकी आंखों पर रखी, उसकी आंखें उसी स्पॉट पर फ्रीज हो गई। दिया की आंखें ग्रे थी, वे बहुत अट्रैक्टिव थी और उसने सभी का अटेंशन गेन किया, इसलिए उसने ग्लासेस पहन लिया। दिया ने अपने पास में अननोन पर्सन को देखा तो वो चौंक गई। वह ठीक से बैठना चाहती थी लेकिन उसके सिर में अभी भी चक्कर आ रहे थे। उसका शरीर लड़खड़ा रहा था। उसके पास वाले लड़के ने समय पर उसकी बाईं बाह पकड़ ली और उसको ठीक से बैठने में हेल्प की। उसने कहा, बी केयरफुल। एक काम टोन को सुनकर दिया ने उसे प्रॉपर्ली देखा। उसने ब्लैक हेयर, फियर्स ग्रे आईज, शार्प नोज और थिन पेल लिप्स के साथ एक हैंडसम फेस को देखा। उसकी आंखें अम्यूजमेंट में चमक रही थीं। दिया ड्रंक थी बट वह अभी भी दिया थी। उसने गुस्से में पूछा, व्हाट्स सो फनी? लड़के की राइट आईब्रो ऊपर उठी। उसने कहा, मैं स्माइल नहीं कर रहा हूं, तुम्हारी आंखें स्माइल कर रही हैं। दिया ने पॉइंट आउट किया। उस लड़के ने अपना लेफ्ट हैंड अपने लेफ्ट गाल के नीचे रख दिया, जैसा उसने अपने पास वाली लड़की को देखा था। उसने कहा, तुम तो काफी ब्लंट हो, तुम एक क्वाइट पर्सन हो। दिया अलर्ट हो रही थी। वह अपनी ड्रंकन स्टेट से बाहर आने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। उसके लिए पास में बैठा लड़का अननोन और सस्पिशियस था। उसकी ग्रे आईज जब स्माइल करती थी तो ऐसा लगता था जैसे वे लाइट में शाइन कर रही हों। वह आसपास देखती है बट उसने उसकी फ्रेंड्स को नहीं देखा। उसने पूछा,
मेरी फ्रेंड्स कहाँ हैं? दिया ने कैजुअली एक्ट किया, बट अब वह डर रही थी। ग्रे आंखों वाले लड़के ने अपना खाली ग्लास रखा और रिप्लाई दिया, उन तीनों को उनके बॉयफ्रेंड्स ले गए, डोंट वरी वो सेफ हैं। वह खड़ा हुआ और पूछा, अब तुम क्या करोगी? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुमको घर ले जाने में तुम्हारी हेल्प करूं? इस बीच दिया ने अपनी फ्रेंड्स को कॉल करने का ट्राई किया, बट किसी ने भी आंसर नहीं दिया। वह धीरे धीरे उठ खड़ी हुई। उसने सिर हिलाया और जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल गई। उसने टैक्सी ली और दूर निकल गई। मिस्टीरियस आदमी ने जय को उसकी टैक्सी को फॉलो करने के लिए कहा। उसने उसके कैंपस में पहुंचने तक उसको फॉलो किया। जय ने पूछा, क्या मैं आपको होटल लेकर चलूं? मिस्टीरियस आदमी अभी भी उसकी तरफ देख रहा था, जबकि वह दूर चली गई थी, और बोला, ओके। ये सच में एक इंटरेस्टिंग नाइट थी, उसने सोचा। नेक्स्ट डे जिंदल मेंशन। पहले से ही दोपहर का टाइम था जब अंजलि ने अपनी आंखें खोली। पहली चीज जो उसने देखी वह ओपन मसल चेस्ट थी। उसने एक बार ब्लिंक किया, फिर दो बार। जब चेस्ट नहीं हटी तो वह अपना हाथ टच करके देखती है। यह वार्म और सॉफ्ट था। उसने रियलाइज किया कि यह एक सपना नहीं था। वह रियल में जिस चीज को टच कर रही थी वह एक्चुअली उसे देख रही थी। अंजलि डरकर उछल पड़ी। उसके मुंह से एक छोटी सी चीख निकली। अपनी वाइफ की चीख सुनकर अजय ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने उसकी ओर देखा और स्माइल की। सुबह सुबह तुम्हारे चेहरे से सुंदर और कुछ नहीं। उसकी आंखें उस पर थीं। थोड़ा शक होते ही अंजलि ने खुद को देखा। आह! उसके दिल ने ऑलमोस्ट उसकी बॉडी को छोड़ दिया। जब उसने अपनी फुल नेकेड बॉडी को देखा, उसने अपनी बॉडी को रजाई से कवर कर लिया। उसका फेस पीला था, उसकी पूरी बॉडी जबरदस्त रूप से हिल गई। कल रात क्या हुआ था? मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है? मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि वह ऐसा कुछ करेगा। सभी तरह की बातें सोचते हुए उसकी आंखें लाल और टियरी हो गईं। अपनी वाइफ के आंसू और घबराए हुए फेस को देखते हुए अजय के सॉफ्ट एक्सप्रेशन भी चेंज हो गए। उसने एक लेजी टोन में कहा, इससे पहले कि तुम कंक्लूजन पर जाओ, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि याद करो लास्ट नाइट क्या हुआ था। मैं विक्टिम हूं, ऑलराइट? अंजलि ने उसे घूर कर देखा। अजय ने गहरी सांस भरी। उसने अपनी नेकेड बॉडी को पॉइंट किया और कहा, मेरे पास शार्प नेल्स और छोटे दांत नहीं है। यहां तक कि अगर मेरे पास हैं, तो मैं अपनी बॉडी पर ऐसा नहीं कर सकता। अंजलि ने शर्म से उसकी नेकेड बॉडी को देखा। अजय की बॉडी वेल टोन्ड थी। कोई भी आदमी या औरत इसे देखकर पागल हो सकता था। हालांकि स्क्रैच, बाइट और किस के मार्क्स को देखते हुए बाकी सब नीचे था। धीरे धीरे अंजलि ने याद करना स्टार्ट किया कि अजय उसे रूम में लेकर आया, फिर क्या हुआ था। ये सब उसकी फॉल्ट थी। अंजलि का फेस एक सेकंड में लाल हो रहा था। अजय ने समझा कि उसे लास्ट नाइट की एक्टिविटी याद आ रही थी। सडनली उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। आह! अंजलि सरप्राइज में चिल्लाई। अजय ने उसे नीचे रखा। उसने उसे डीप किस किया। अंजलि ने स्ट्रगल करने का ट्राई किया, बट सब बेकार था। अजय की टंग ने उसके मुंह में एंटर किया और उसे घुमा दिया। उसका माइंड ब्लैंक होना स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे उसने अपनी स्ट्रेंथ खो दी। अजय ने अपनी टंग तभी निकाली जब उसे ऑक्सीजन की कमी होने लगी। अजय की आंखें जल रही थीं। अंजलि ने फील किया कि उसके लोअर बॉडी में कुछ पोक कर रहा है। उसकी आंखें खुल गईं। उसके रिएक्शन को देखते हुए अजय ज्यादा कुछ नहीं, बट स्माइल कर सकता था।
उसने उसके फोरहेड पर प्यार से किस किया। उसने पूछा, लास्ट नाइट कल्प्रिट कौन था? क्लियरली वह उसे छेड़ रहा था। अंजलि का माइंड अभी भी काम नहीं कर रहा था। उसने विस्पर किया, मैं थी। अजय ने आगे पूछा, फर्स्ट किस किसने? अंजलि ने रिप्लाई दिया, मैंने किया। अजय की आंखें ऐसे चमकी जैसे उसने क्वेश्चन किया, किसने पहले सीड्यूस किया? मैंने किया, अंजलि ने रिप्लाई दिया। उसे अभी तक अपने ब्लैंक स्पेस एटीट्यूड से ब्रेक लेना था। रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? अजय ने हस्की टोन में पूछा। अंजलि जोर से रोना चाहती थी। आई विल। फिर ठीक है। अजय ने उसे फिर से किस कर रिवॉर्ड दिया। वह अभी भी अपनी कल रात की एक्टिविटी पर बिलीव नहीं कर सकती। वह अजय पर ब्लेम नहीं कर सकती थी क्योंकि वह फॉल्ट में थी। अंजलि धरती में गड्ढा करना चाहती थी और वहां खुद को दफनाना चाहती थी। उसने जो भी किया उसके लिए खुद को ब्लेम कर रही थी। फिर वहां उसने खुद से प्रॉमिस किया कि अब वह कभी भी ड्रिंक को टच भी नहीं करेगी। अंजलि ने सोचा, अगर यह जेंटलमैन अजय नहीं होता तो वह अपनी वर्जिनिटी बिना उसे पता चले ही खो देती, इसलिए वह उसकी ग्रेटफुल थी। बट इस आदमी ने उसे अब क्यों किस किया? उसे ब्रेथलेस बना के अजय ने पूछा, क्या तुम एक शावर लेना चाहती हो? अभी उससे दूर जाने से बेटर कुछ नहीं हो सकता। मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। यह सोचकर अंजलि ने हां में सिर हिलाया। अजय ने स्माइल किया और कहा, ग्रेट, चलो साथ में शावर लेते हैं। उसने तेजी से उसे अपनी बाहों में लिया और बाथरूम में चला गया। उसने सोचा, क्या तुमने सोचा था कि मैं तुम्हारा माइंड रीड नहीं कर सकता? अंजलि की आंखें ऑलमोस्ट बाहर आ गई जब उसने रियलाइज किया कि वह उसके ट्रैप में फंस गई है। वह नेकेड थी और दिन की रोशनी में नेकेड आदमी की बाहों में थी। वह खुद को फ्री करने के लिए स्ट्रगल करती रही। तुम किस लिए शाय फील कर रही हो? मैंने ऑलरेडी कल रात तुम्हारा हर इंच देखा था और तुमने भी ऐसा ही किया। अजय ने ऐसे कहा जैसे ये कोई नॉर्मल बात है। एक्चुअली वो इसे बहुत एंजॉय कर रहा था। ये हॉट शार था। बाथ टब में अजय उसकी पूरी बॉडी को टच करने और उसके रोजी लिप्स को किस करने में बिजी था। फाइनली उसके पास लिप्स को किस करने का मौका था। वह उसे जाने नहीं दे सकता था। अंजलि ने ऑलरेडी वो उसे दे दिया। वो सच में एक अच्छा किसर था। उसकी पूरी बॉडी पैशन में हिल गई। उसकी बॉडी हॉट होने लगी। कुछ टाइम के बाद उसने भी उसे किस करना स्टार्ट कर दिया। वह भी श्योर नहीं थी कि वो क्या कर रही है। 15 मिनट्स का मॉर्निंग बाथ 45 मिनट्स का हो गया। जब उन्होंने फिनिश किया तो अंजलि वॉक करने की हालत में नहीं थी, इसलिए अजय ने जेंटली उसकी पूरी बॉडी को वाइप किया और उसे पिंक टॉवल में रैप किया। वह उसे बाथरूम से बाहर ले गया। उसने उसके गीले बाल सुखाए और उसे कपड़े पहना दिए। अंजलि ने स्ट्रगल करने की लास्ट एनर्जी भी खो दी थी। वह नहीं जानती थी कि अब और क्या फील करना है। वो केवल ये जानती थी कि उसका दिल पागल हो रहा है। उसके सिर में चक्कर आ रहा था। उसका माइंड ब्लैंक था और वह अपने फ्यूचर हस्बैंड के सामने नेकेड थी। इसके अलावा वे पूरी रात नेकेड सोते रहे। अजय ने उसे बेड पर लिटा दिया और कहा, यार रुको, इधर उधर मत जाना, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट ला रहा हूं। अंजलि ने सिर हिलाया क्योंकि वह कहीं और देख रही थी। अजय का लोअर पार्ट व्हाइट टॉवल से कवर था और अपर बॉडी नेकेड थी। उसके बालों से अभी भी कुछ पानी टपक रहा था। कुछ ड्रॉप्स उसके नेकेड चेस्ट पर थी और वो बहुत हैंडसम लग रहा था। अंजलि उसे देखती रही। अजय ने उसके माथे पर सॉफ्ट किस किया और रूम से बाहर चला गया। अंजलि ने अपने लाल फेस को अपने हाथों से कवर कर लिया और बेड पर लेट गई। सडनली उसने आंखें खोली और सोचा, मेरी फ्रेंड्स कहाँ हैं? अजय बहुत अच्छे मूड में था।
उसके लिए आज एक ब्यूटीफुल दिन था। उसने कैजुअल शर्ट और पैंट पहनी और नीचे चला गया। वह सीधे किचन में गया और कुक मीना से उसके और अंजलि के लिए ब्रेकफास्ट देने को कहा। कुक मीना ने उसे कुछ मिनट वेट करने के लिए कहा और मॉर्निंग में रेडी किए गए ब्रेकफास्ट को गर्म करने के लिए वापस चली गई। अजय ने चारों ओर देखा और उसे कुछ अजीब लगा। उसने पूछा, अंकल श्याम कहाँ हैं? कुक की बॉडी स्टिफ हो गई। उसने कहा, वह बीमार हैं, इसलिए वह अपने रूम में रेस्ट कर रहे हैं। अजय की आईब्रो ऊपर उठी। बटलर श्याम एक मेहनती इंसान थे। उन्होंने सबसे ज्यादा डिसिप्लिन मेंटेन किया है। उन्हें कोल्ड या फीवर बहुत ही कम होता था। वह बीमार कैसे हो सकते हैं? अजय ने पूछा। कैसे? कुक मीना सच में चिंता में थी। वह अपने कलीग की केयर करती हैं, बट वह अपने सर को कैसे बता सकती हैं कि बटलर श्याम को फीवर हो गया था, क्योंकि कल रात दोनों सर लापरवाह थे और दो ड्रंक मैडम्स को घर ले आए और उनसे कहा कि वे उन्हें डिस्टर्ब ना करें। एक बूढ़े दिल के लिए ये बहुत ज्यादा था। कुक मीना ने आंसर दिया, डोंट वरी सर, कुछ भी सीरियस नहीं है। श्याम भैया ने डॉक्टर विशाल को बुलाया है। डॉक्टर विशाल ने उनके चेकअप के लिए एक डॉक्टर भेजा है, वह ठीक हो जाएंगे। उसने अजय को एक ट्रे दे दी और ये कहते हुए टॉपिक चेंज कर दिया, ये आपका ब्रेकफास्ट है, क्या आपकी हेल्प के लिए मैं किसी मेड को कॉल करूं? किसी को भी ऊपर आने की जरूरत नहीं है, अजय ने फ्लैट होकर कहा। कुक मीना ने सिर हिलाया। उसने पहले से ही बहुत से लिटिल अजय, लिटिल राजीव, लिटिल अंजलि, लिटिल ईशा को इमेजिन करना स्टार्ट कर दिया था। अजय के किचन से जाने से पहले कुक मीना ने कहा, आज का डिनर स्पेशल होगा। अजय ने सिर हिलाया और चला गया। दरवाजे पर वह रुक गया क्योंकि कोई किचन में एंटर कर रहा था। तुम? जब राजीव जाग गया तो ये पहले से ही दोपहर थी। उसका मूड लाइट और अच्छा था। उसने पहले ऐसा कभी नहीं फील किया था। उसने अपने बेड की ओर देखा जहां उसकी स्लीपिंग ब्यूटी आराम से सो रही थी। उसके आइस बैग्स बहुत डीप थे। 4 साल में वह अच्छी तरह से सो नहीं पाई थी। राजीव के दिल में दर्द होने लगा। वह नीचे झुककर उसके फोरहेड पर किस करने लगा। उन दोनों की बॉडीज स्टिकी और स्मेली थी, इसलिए राजीव शार लेना चाहता था। कुछ सोचकर उसने धीरे से लड़की को अपनी बाहों में लिया और बाथरूम की ओर चला गया। उसने उसे क्लीन किया और उसकी बॉडी को वाइप किया, फिर उसे सोफे पर लिटा दिया और उसे एक ब्लैंकेट से कवर कर दिया। उसने बेडशीट चेंज कर दी और फिर उसे लिटा दिया। वह उसे जगाना नहीं चाहता था। बाद में उसने शार लिया और ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे चला गया। वहां उसे अपने बड़े भाई मिला। वहां उसे अपना बड़ा भाई मिल गया। अजय अपनी जगह पर रुक गया और कहा, तुम? वह पूरी तरह से भूल गए थे कि उसका एक छोटा भाई था। राजीव ने इसे बहुत अच्छी तरह से समझा। उसने सांस लिया और बोला, सिस्टर इन लॉ को अपने पास रखने के बाद आप भूल गए कि आपका एक भाई भी है? कैसे बड़े भाई हो आप? वह हर्ट दिखा। अजय ने कहा, हमने कुछ नहीं किया। उसका मतलब था कि उन्होंने वो नहीं किया। सबसे पहले राजीव दंग रह गया, फिर वह खुशी में झूम उठा। उसने कहा, एटलीस्ट मैं जीत गया और आप हार गए। यह कहते हुए उसने अपने भाई के शोल्डर को थपथपाया और कंटिन्यू किया, बड़े भाई, इसे रियल प्लेजर कहा जाता है। एक बार जब आप इसे टेस्ट कर लेते हैं तो आप इसे और भी ज्यादा चाहते हैं। उसके सफेद दांत स्टारलाइट की तरह चमक रहे थे। अजय अच्छी तरह से समझ गए कि उसके भाई का क्या मतलब है। तो आखिर वो एक आदमी बन ही गया और उसे घर ले आया। उसने सोचा, सिर्फ इसलिए कि अजय ने ऐसा नहीं किया, क्या इसका मतलब ये है कि वो हार गया? Of course not. इसका मतलब ये था कि वो एक ट्रू जेंटलमैन था। अगर वह ऐसा करता तो अंजलि उसे कभी भी अपना ट्रू सेल्फ नहीं दिखाएगी, क्योंकि वह उससे प्यार नहीं करती थी। अजय अंजलि से सिर्फ उसकी बॉडी नहीं चाहता था। वह इतना बुरा आदमी नहीं था।
वह उसका दिल उसकी आत्मा चाहता था। वह चाहता था कि वह भी उसके लिए उतना तरसे जितना वह तरसता था। वह चाहता था कि वह भी उसे प्यार करे, तभी उसे उसकी सच्ची खुशी मिल पाएगी। जब वह उसके पास आई तो वह बिल्कुल शांत था। वह कैसे हार सकता था? अजय ने कोल्ड लुक से अपने भाई को देखा और कहा, बीस्ट। फिर वह किचन से निकलकर ऊपर चला गया। राजीव वहीं खड़ा रहा। वह स्पीचलेस था। एक बार फिर उसे एक प्रूफ मिला कि कोई भी डेमोन लॉर्ड अजय के अगेंस्ट जीत नहीं सकता था। बेड पर अंजलि ने अपने फ्रेंड्स को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने आंसर नहीं दिया। उसने सांस लेते हुए मोबाइल नीचे रख दिया। उसके सिर में दर्द हो रहा था जब से वह उठी थी, बट जब से उसने अपनी आंखें खोली तब से बहुत कुछ हो रहा था, तो उसे ये फील ही नहीं हुआ। उसने अपना सिर पकड़ लिया और चुप रही। धीरे धीरे उसका माइंड बाथरूम के इंसिडेंट में बहने लगा। अजय के हाथ उसे हर जगह टच कर रहे थे। अंजलि को उसकी बाहों में आराम लगी और उसने जोर से मौन किया। उसकी बॉडी उसके टच से कांपने लगी। उसके पेट में बटरफ्लाई फील होने लगी। उसके लिप्स जादू की तरह काम कर सकते थे। उसके होठों ने उसे सेंसलेस बना दिया। जब वह इसे और भी नहीं सह सकती थी, उसने भी उसे किस करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे वह उसकी बाहों में पिघलने लगी। अंजलि ने अपने सिर को टाइट पकड़ लिया और पूरे बेड पर लेट गई। मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकती। मुझे इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। मुझे इसे भूलना चाहिए। आई मस्ट। वह खुद से बातें कर रही थी। उसे नहीं पता था कि वह जोर से बोल रही है। तुम क्या भूलना चाहती हो? अजय ट्रे के साथ रूम में एंटर हुआ। अंजलि को बेड पर झटका लगा और वो बैठ गई। उसका दिल जबरदस्त तरीके से हिल गया। वह अपने दिल को जोर से बीट करते हुए सुन सकती थी। उसका फेस लाल हो गया था। ओ गॉड, प्लीज उसे मेरी हार्ट बीट मत सुनने देना। उसने धीरे से प्रे की। अजय ने ट्रे को साइड टेबल पर रख दिया और बेड पर बैठ गया। उसकी स्टिफ बॉडी को देखकर उसने स्माइल की और कहा, रिलैक्स योर बॉडी, मैं तुम्हें खाने नहीं वाला हूं। मैंने आज के लिए अच्छे से टेस्ट कर लिया है। उसने जो कहा उसे सुनकर अंजलि का फेस लाल हो गया। उसने शर्म से अपना सिर लटका दिया। अजय को उसका रिएक्शन बहुत प्यारा लगा। उसने उसे अपनी बाहों में हक किया और रिलैक्स फील होने तक उसकी बैक को सहलाया। उसने सॉफ्टली कहा, क्या तुम्हारे सिर में दर्द है? मैं तुम्हारे सिर पर मसाज कर देता हूं। फिर उसने उसके सिर की मसाज की। उसके हाथ जादूगर की तरह काम कर रहे थे। उसके सिर का दर्द चला गया। कुछ मिनट बीत जाने के बाद उसने कहा, चलो ब्रेकफास्ट कर लो। उसने सूप का बाउल लिया और आगे कहा, मुझे तुम्हें खिलाने दो। अंजलि की आंखें बड़ी हो गईं। उसने ना में अपना सिर हिला दिया। क्या मैं पहले से कम एम्बैरस नहीं थी? उसने सोचा। अजय का फेस उसके राइट कान के पास गया और उसने धीरे से कहा, क्या तुम मुझे पनिश करना चाहती हो? फिर उसके कान को हल्के से बाइट किया। अंजलि की बॉडी कांप गई, बट उसने प्रोटेस्ट नहीं किया। अज्जू, तुम बहुत गंदे हो, वह अपने माइंड में चिल्लाई। बाद में उसने उसे पीने के लिए एक ग्लास दूध दिया और फिर उसे ब्रेकफास्ट खिलाया। उनके गर्म ब्रेकफास्ट के बाद अजय ने अंजलि के फेस को टिश्यू से वाइप किया। अंजलि पूरा टाइम चुप रही। उसका लाल फेस नीचे था और वह अपने पास बैठे आदमी को बिल्कुल नहीं देख रही थी। अजय उसके रिएक्शन को एंजॉय कर रहा था। वो जानता था कि वह उसे बहुत टीज कर रहा था। उसकी बॉडी के अंदर फैली लव और टेंडरनेस की वार्म फीलिंग से वह अंदर ही अंदर स्माइल करने लगा। उसने पूछा, आज तुम्हारी क्लास नहीं है? क्या तुम बाहर जाना चाहती हो या तुम यहां रहोगी? आज रात मीना आंटी एक डिनर अरेंज कर रही है, तुम डिनर के लिए रुक जाओ। अंजलि ने सिर हिलाया।
उसने उस हैंडसम फिगर को अच्छे से देखा, फिर उसने अपनी नजर हटा ली। उसने रिप्लाई किया, मैं यहां रहना चाहती हूं। अजय ने स्माइल करते हुए रिस्पॉन्ड किया। वह उसे प्यार से देखता है और फिर से पूछता है, क्या तुम रूम में रहना चाहती हो और रेस्ट करना चाहती हो? अंजलि ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, मैं गार्डन में रहना चाहती हूं। वो और क्या कर सकती है, अगर वो बाहर जाती है तो डेफिनेटली अजय भी उसके साथ जाएगा, बट अगर वो मेंशन में रहती है तो वह उस पर नजर नहीं रखेगा और वह रिलैक्स कर सकती है। अजय इजली समझ सकता है कि उसके माइंड में क्या है। वह एक अच्छे मूड में था और उसका दिल सॉफ्ट हो गया। उसने उसे कुछ टाइम अकेले देने का डिसाइड किया। वह उसे थकाना नहीं चाहता था। अजय ने उसके लिप्स पर एक किस किया और जाने से पहले कहा, बी केयरफुल। ओके, अंजलि ने शॉर्ट रिप्लाई दिया। अजय के जाने के बाद अंजलि बेड से उठी। उसने खुद को मिरर में देखा और उसका फेस लाल हो गया। उसने लो कट येलो ड्रेस पहनी थी। उसकी पूरी स्किन पर हिकीज लगी थी। अंजलि ने एक व्हाइट सिल्क की शॉल निकाली और उसे चारों ओर से पहन लिया। उसने अपने बालों को एक पोनीटेल में बांध लिया। बहुत टाइम हो गया था जब वह मेंशन में थी। वह अपने रूम से बाहर आई और नीचे चली गई। वह बटलर श्याम, कुक मीना, कमला और सपना को ग्रीट करना चाहती थी। वो उनकी हॉस्पिटैलिटी को मिस कर रही थी। किचन में उसने कुक मीना को ग्रीट किया। कुक मीना उसके लिए बहुत केयरिंग थी। उसने बटलर श्याम के बारे में पूछा और पता चला कि वो बीमार हैं और एक डॉक्टर को चेक कराने गए थे। कमला और सपना भी उसे देखकर खुश थे, हालांकि अंजलि को कुछ बहुत ही अजीब लगा। उनमें से हर कोई उसे ठीक से देखने से अवॉइड कर रहा था और उनके फेसेस लाल हो रहे थे। रीजन समझने में उसे मिनट लगे। उसे ठीक से याद था कि वह नशे में थी और अजय उसे उठाकर लाया था और उसने मेड्स और बटलर्स को उन्हें डिस्टर्ब नहीं करने का ऑर्डर दिया था। अजय ने यह उसके अच्छे के लिए किया, बट इसने एक बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा कर दी। मुझे बाहर जाना चाहिए, उसने सोचा। अंजलि की सोचने की चेन एक चीयरफुल वॉइस से इंटरप्ट हो गई। उसने अपनी लेफ्ट साइड देखा और पाया कि एक जर्मन शेफर्ड उसके पास भागकर आ रहा था। उसके एक्सप्रेशन में एक प्योर जॉय दिख रहा था। जब यह उसके पास आया तो उसने अंजलि पर जंप किया। अंजलि की बॉडी वीक थी और वो एक बिग डॉग को पकड़ नहीं सकती थी, इसलिए वह ग्रास के ऊपर गिर गई जबकि डॉग उसकी बॉडी के ऊपर था। ऑस्कर, मैं तुमको फिर से देखकर बहुत खुश हूं। अंजलि ने ऑस्कर को हैप्पीली ग्रीट किया। अंजलि ईस्ट विंग में थी और इसका मतलब वह वेजिटेबल गार्डन में थी। अजय के स्टडी रूम से इस जगह को पूरी तरह से देखा जा सकता था। ऑस्कर जैसा कि वह तेज था, उसने विंडो के पीछे उनको देखते हुए किसी को देखा। उसने अपनी ह्यूज टंग से अंजलि के गाल को लिक किया और ये दिखाया कि उसने अंजलि को कितना मिस किया। अंजलि एक प्योर हार्ट वाली लड़की थी। इस तरह का अफेक्शन पाकर उसका दिल हैप्पीनेस से फिल हो गया। वह हंसी और ऑस्कर के सिर को थपथपाया। उसे बिल्कुल भी गलत नहीं लगा। जब वे हक कर रहे थे, सडनली ऑस्कर ने एक सीटी सुनी। ये केवल डॉग्स के सुनने के लिए एक स्पेशल सीटी थी। ऑस्कर इसे बहुत अच्छी तरह से जानता था। उसका मास्टर लूसी को बुला रहा था। जैसे ही ऑस्कर ने सोचा, एक ब्यूटीफुल वाइट जर्मन शेफर्ड उनके पास दौड़ती हुई आई। यह ऑस्कर की वाइफ लूसी के अलावा और कोई नहीं थी। लूसी ने अंजलि को थोड़ा धक्का दिया। वे अभी भी फ्रेंड्स नहीं बने थे। तब लूसी ने ऑस्कर को प्यार से धक्का दिया, उसके कान पर बाइट किया और उसे दूर ले जाने की कोशिश की। ऑस्कर सब कुछ क्लियरली समझ गया था। उसने विंडो की तरफ देखा। उसने देखा कि एक डार्क फिगर अभी भी वहीं खड़ा था। ऑस्कर डार्क फिगर पर गुर्राया और अपनी वाइफ के साथ थोड़ा उदास होते हुए चला गया। उसके एटीट्यूड को देखकर अंजलि ने भी विंडो की तरफ देखा, बट उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया।
वह लेक साइड चली गई और सीनरी को देखने और इंजॉय करने के लिए झूले पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद उसे एक फोन आया। उसने स्क्रीन पर देखा और देखा कि ब्रदर राजीव स्क्रीन पर लिखा था। हेलो ब्रदर राजीव, उसने ग्रीट किया। सिस्टर अंजलि, हाउ आर यू? मैं आपके रूम में गया और आपको वहां नहीं देखा, राजीव ने खुशी से कहा। मैं ठीक हूँ ब्रदर राजीव, हाउ आर यू? मैं लेक साइड में हूँ, क्या आपको कुछ चाहिए? उसने सोचा, मैं एक्चुअली में परेशानी में हूँ, सिर्फ आप ही मेरी हेल्प कर सकती हैं सिस्टर अंजलि, राजीव ने जोर देकर कहा। एक बार जब अंजलि राजीव की हेल्प करने के लिए एग्री हो गई थी, तब उसने शादी को लेकर बात कही थी। इस बार वो बेवकूफ नहीं बनाई जाएगी। वो ये जानना चाहती थी कि एक्चुअली राजीव को उसकी हेल्प की जरूरत क्यों थी। उसने कहा, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, बट मैं ये कैसे कर सकती हूँ जबकि मुझे पता ही नहीं है कि तुमको किस चीज की हेल्प की जरूरत है। राजीव ने जल्दबाजी में कहा, मुझे आपसे कपड़ों का एक सेट चाहिए, इसके अलावा आई नीड सम अंडरगार्मेंट्स। अंजलि रियल में नहीं जानती थी कि उसे पहले क्या कहना है। आर यू पर्वर्ट? उसने अंदर सोचा, इज ही ड्रंक? सिस्टर अंजलि, मैं एक प्योर सोल लेकिन एक वीक हार्ट के साथ हूँ, प्लीज समझने की कोशिश करें, मुझे अभी उनकी जरूरत है, अगर मुझे नहीं मिले तो मैं मर सकता हूँ। राजीव की वॉइस अर्जेंट थी। अंजलि ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, मैं पहले अजय से पूछती हूँ। राजीव ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसने डरते हुए कहा, सिस्टर अंजलि प्लीज आई बेग यू, मेरे बड़े भाई को इन्वॉल्व मत करो, आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं, प्लीज मुझे एक सेट दे। क्या मैं आपका मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट डैशिंग, मोस्ट इंटेलिजेंट भाई राजीव नहीं हूं? क्या मैं एक? अंजलि ने सांस लिया और उसे बीच में रोक दिया। आई एम कमिंग। वह अब उसके और एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना चाहती थी। अगर उसे सच में उनकी जरूरत थी तो वो उसे दे देगी, आफ्टर ऑल ये ही वो लोग थे जिन्होंने उसे कपड़े दिए। थैंक यू सिस्टर अंजलि, था अंजलि ने कॉल कट कर दिया। अंजलि अपने रूम में गई और देखा कि राजीव एक तरफ से दूसरी तरफ भाग रहा था। जब उसने एंटर करते देखा तो उसकी आंखें चमक गईं। सिस्टर अंजलि थैंक यू फॉर कमिंग। राजीव बहुत खुश दिख रहा था। अंजलि ने गहरी सांस ली और डायरेक्ट पॉइंट पर आई, आपको किस तरह की ड्रेस की जरूरत है? राजीव ने इमेजिनेटिव ड्रेस को डिस्क्राइब करना स्टार्ट किया। हाई नेक ड्रेस फुल स्लीव्स के साथ, मैक्सी की तरह हो और कंफर्टेबल हो तो बहुत अच्छा होगा। उसका कोई इरादा नहीं था कि कोई उसकी वाइफ की हिक्कीस से भरी बॉडी को देखे। और क्या? अंजलि ने पहले से ही एक मैक्सी स्टाइल ड्रेस को सर्च करना स्टार्ट कर दिया था। राजीव ये कहने से पहले हेजिटेट हुआ, अंडरवियर? अंजलि ने उसे घूर कर देखा। राजीव ने तीन बार झुककर कहा, डियर सिस्टर प्लीज इस बार मुझे छोड़ दो, मुझे रियली इनकी जरूरत है। अगर राजीव कर सकता तो वह शॉपिंग करने जाता, बट उसे डर था कि अगर ईशा जाग गई तो वह अकेले हो जाएगी। वो नहीं चाहता था कि उनकी फर्स्ट नाइट का एक्सपीरियंस गलत हो। वह ये भी नहीं चाहता था कि कोई और उसके लिए एक ड्रेस खरीदे। और उसने ईशा के लिए एक परफेक्ट इमेजिनेटिव ड्रेस खरीदने के लिए इंटरनेट पर भी सर्च किया, बट उसे एक भी नहीं मिली। इसलिए उसे अंजलि से पूछने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। थोड़ी देर ढूंढने के बाद अंजलि को एक व्हाइट मैक्सी स्टाइल कॉटन ड्रेस मिली। इसमें एक हाई कॉलर और फुल स्लीव्स भी थी। ये बहुत कंफर्टेबल भी थी। उसने इसे कभी नहीं पहना, इसलिए इसे दिया जा सकता था। अंडरवेयर के लिए अंजलि ने राजीव पर नजर डाली। राजीव ने पूछा, क्या हुआ सिस्टर अंजलि, क्या तुम्हें सच में अंडरवेयर चाहिए? अंजलि ने पूछा। अंजलि किसी की पर्सनल बाउंड्री पर अटैक नहीं करना चाहती थी, बट ऑपोजिट सेक्स को अपनी अंडरवेयर देना उसके लिए थोड़ा ऑड था, भले ही उसे राजीव को देना पड़े। अंजलि ने जोर से सिर हिलाया, अंडरवेयर सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ईशा अंडरवेयर नहीं पहनती है तो वो सेटिस्फाइड नहीं होगी।
ये सोचते हुए उसे पसीना आ रहा था। अंजलि ने सांस ली और अंडरगार्मेंट का एक नया पीस निकाला और ड्रेस के अंदर डाल दिया, फिर उसने उसे दे दिया। राजीव ने राहत की सांस ली और अंजलि को दो बार थैंक्स कहा और फिर जल्दी से वहां से चला गया। उसकी एज क्या है? अंजलि को हैरानी हुई। राजीव अपने रूम में गया और ड्रेस को सोफे पर रख दिया। उसके बाद उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए और पढ़ते हुए ईशा के पास बैठ गया। ईशा लंच टाइम खत्म होने के बाद उठी। उसने अपनी आंखें खोली, सिर में एक पेनफुल फीलिंग के साथ। वह डर गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, उन्हें फिर से खोला और उसने जो पहली चीज देखी वो राजीव था, जो उसके पास बैठा था और कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था। उसके चेहरे को देखते हुए वह पास्ट को याद करती है और थोड़ा स्माइल करती है। राजीव को अपने पास मूवमेंट दिखा। वह उस लड़की को देखता है जो सोते हुए उसे देख रही थी। उसे देखते ही उसका दिल पिघल गया। राजीव ने उसे प्यार से स्माइल करते हुए देखा और उसके गाल पर किस किया। उसने कहा, गुड मॉर्निंग ईशा, क्या तुम अच्छी तरह से सोई थी? ईशा ने लास्ट नाइट के बारे में सोचकर शर्म महसूस की और हल्के से सिर हिलाया। उसने हिलने का ट्राई किया बट एक छोटी आह भरी, क्योंकि उसकी बैक में दर्द था। उसने सच में ज्यादा कर दिया, उसने सोचा। राजीव को चिंता हो गई। उसने पूछा, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? एक्चुअली ये पेनफुल था। उन्होंने सनराइज तक उसे परेशान किया था। लास्ट पार्ट में राजीव बैक को होल्ड करना भूल गया था, वो डीप पैशन में थे, इसलिए दोनों ने इसके बारे में परवाह ही नहीं की। अब ईशा बिल्कुल भी चल नहीं सकती है, ईशा ने लो टोन में कहा। मैं ठीक हूं, वो ऑलरेडी वीक दिख रही थी। राजीव को गिल्टी फील हो रहा था। उसे याद आया कि उसके बड़े भाई ने उसे बीस्ट कहा था। राजीव को अब अपने भाई के वर्ड्स पर बिलीव हो रहा था। उसने कहा, तुमको उठने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही रहो, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लाया हूं, जब तुम उठोगी तो तुम उन्हें पहन सकती हो। जब तक तुम मेरे कमरे में हो कुछ भी पहनने के बारे में चिंता मत करो। ईशा का फेस लाल हो गया। वो ये कैसे कह सकता है? वह हैरान हो गई। क्या तुम गंदे इंसान हो? उसने क्वेश्चन किया। राजीव स्पीचलेस था। इस घर के लोगों को आज क्या हुआ है? हर कोई मेरे कैरेक्टर पर क्वेश्चन क्यों कर रहा है? मुझे अपनी वाइफ की टेंशन है, मैं नहीं चाहता कि वह कुछ भी करे जिससे उसे और ज्यादा पेन हो, राजीव ने कहने से पहले पलक झपकते हुए कहा। मैं बस यही चाहता हूं कि तुम रिलैक्स करो और नहीं चाहता कि तुम मूव करो, इससे तुमको और हर्ट होगा। मैं नेकेड नहीं रह सकती, ईशा ने हकलाते हुए कहा। उसने अपने सिर को टच करते हुए कहा, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। राजीव ने सांस ली और उसे बेड पर बैठने में हेल्प की। हालांकि उसे उसका नेकेड रहना पसंद था, बट वो ऐसा कह नहीं सकता था। शायद वो एक पर्वर्ट था, जैसा उन्होंने कहा था। ईशा के लिए खुद से ड्रेस पहनना हार्ड था। राजीव ने उसकी अंडरगार्मेंट्स और उसके साथ ड्रेस पहनने में हेल्प की। दिन में चूंकि राजीव ड्रेस पहनने में उसकी हेल्प कर रहा था, ईशा जैसी एक शाय लेडी अपना सिर नहीं उठा पा रही थी। राजीव उसकी पर्सनैलिटी को अच्छी तरह से जानता था। उसने अपने बड़े भाई के ऑपोजिट उसे टीज करके प्रेशर नहीं बनाया। राजीव ने कहा, यहां रुको और रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना और बर्फ लाता हूं। जैसे ही उसने कहा, ईशा के पेट से आवाज आने लगी। वह देखने में बहुत एम्बेरस थी। राजीव ने प्यार से स्माइल की और बाहर जाने से पहले उसके सिर पर किस किया। अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद ईशा की इच्छा फ्लावर गार्डन विजिट करने की थी। क्या तुमको दर्द नहीं हो रहा है? राजीव ने परेशान होकर पूछा। ईशा एक बार फिर से लाल हो गई और कहा, मैं जाना चाहती हूं। राजीव ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया और उसे अपनी बाहों में ले लिया। ईशा ने थोड़ा स्ट्रगल किया। वह नहीं चाहती थी कि मेड्स और बटलर्स को पता चले कि कल रात क्या हुआ था। हालांकि
राजीव हिला नहीं। उसने कहा, जब तुम पेन में हो तो मैं तुमको खुद से चलने नहीं दे सकता। ईशा ने शर्म से अपना फेस उसके शोल्डर में छिपा लिया। जिंदल हाउस के सर्वेंट बहुत पोलाइट थे। काम शुरू करने से पहले उन्हें प्रॉपरली ट्रेन किया गया था, इसलिए किसी ने अपने बॉसेस की प्राइवेट लाइफस्टाइल के बारे में कमेंट्स और रूमर्स स्टार्ट नहीं किए थे। वे अपने मालिक और मालकिनों और मेहमानों को भी आंखों में नहीं देखते थे। वे बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। एक बार फिर उनके मैनर्स ने प्रूव कर दिया जब राजीव ईशा को उठाकर फ्लावर गार्डन में ले गया। एक भी मेड या बटलर ने उनकी तरफ नहीं देखा, ना ही उन्होंने कोई कमेंट किया। उन्होंने केवल अपने दूसरे मालिक और दूसरी मैडम को झुककर ग्रीट किया। राजीव ने ईशा को घास पर बैठा दिया। उसे ग्रास बेड पर बैठना पसंद था। राजीव ने कहा, तुम यहां रुको, मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आता हूं। ईशा ने सिर हिलाया और जवाब दिया, ओके। राजीव चला गया। ईशा फ्लावर गार्डन को एंजॉय कर रही थी। वह खुश हो गई जब उसने कुछ फेमिलियर प्लांट्स देखे जो उसने राजीव को 4 साल पहले दिए थे। पास्ट के बारे में सोचते हुए उसने एक आवाज सुनी और पीछे देखा। उसका फेस इमिजिएटली चेंज हो गया। ईशा फ्लावर गार्डन को एंजॉय कर रही थी। वह खुश हो गई जब उसने कुछ फेमिलियर प्लांट्स देखे जो उसने राजीव को 4 साल पहले दिए थे। पास्ट के बारे में सोचते हुए उसने एक आवाज सुनी और पीछे देखा। उसका फेस इमिजिएटली चेंज हो गया। ईशा? वह इंसान जो पीछे खड़ा था उसने सरप्राइज टोन में कहा था, हालांकि ये सिर्फ एक नाम था, लेकिन उसे यह गूंजता सुनाई दे रहा था। ये एक क्वेश्चन की तरह लग रहा था, क्योंकि बोलने वालों को बिलीव नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रही थी। अंजलि? जो इंसान और भी ज्यादा सरप्राइज था वह ईशा थी। ईशा की आवाज सुनकर अंजलि को कंफर्म हो गया कि ये एक्चुअली ईशा है, वह कोई सपना नहीं देख रही थी। अंजलि ने ईशा से पूछा, ये तुम हो? तुम यहां कैसे आई? यही तो मैं जानना चाहती हूं, ईशा ने अंजलि से कहा। अंजलि को अभी भी शौक से रिकवर होना था। वह ईशा के पास बैठी और बोली, ओके, पहली बात, तुम कल रात सचमुच नशे में थी। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। मैंने मॉर्निंग में जागने के बाद तुमको कॉल किया, बट तुम तक नहीं पहुंच सकी, ना ही मैं दूसरों तक पहुंच सकी। हाउ आर यू फीलिंग? मैं ठीक हूं, बट निया और दिया के बारे में क्या? ईशा ने सोचा कि उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। उसे इस बात का कोई क्लू नहीं मिल रहा था कि अंजलि किस रीजन से यहां थी। अंजलि ने जवाब दिया, मैं सोच रही हूं कि उन दोनों को ढूंढने के लिए मुझे राजीव भाई की हेल्प लेनी होगी। सच में अंजलि को उनकी बहुत टेंशन हो रही थी, बट जब वह अजय के साथ थी तो उसका माइंड ब्लैंक हो गया था। उसने सोचा, मुझे अजय को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, वह बिजी है। अंजलि ने ईशा को देखा, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम यहां कैसे आई? क्या राजीव और तुम फिर से साथ हो गए हो? कॉन्ग्रेट्स! ईशा शर्म से लाल हो गई। हाँ, और ये इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मेरी हेल्प की। थैंक यू अंजलि। उसने शर्माते हुए अंजलि को देखा और पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? अंजलि ने ईशा की पहनी हुई ड्रेस को देखा। वह ईशा को यह नहीं बताने वाली थी कि इस एक ड्रेस और अंडरवेयर के लिए राजीव ने उससे कितनी रिक्वेस्ट की थी। अगर अंजलि ऐसा करती है तो वो जानती है कि ईशा कभी भी उससे नॉर्मली बात नहीं करेगी। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि ईशा राजीव से गुस्सा हो जाएगी। अंजलि का उन दोनों को अलग करने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए अंजलि ने रिप्लाई दिया, ये गेस करना इतना हार्ड नहीं था। उसने अपनी आंखें फेर ली। अंजलि ने सिर्फ ईशा की नेक पर एक रेड किस का मार्क देखा। वह इमेजिन भी नहीं करना चाहती थी कि ईशा और राजीव के बीच में क्या हुआ था।
बट ईशा का फेस सच में ग्लो कर रहा था। अंजलि ने कमेंट किया, आज तुम बहुत डिफरेंट लग रही हो। उसका फेस गर्म हो रहा था। ईशा एकदम हैरान हो गई। उसने जल्दी से उस टॉपिक को चेंज कर दिया। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम यहां कैसे आई? ये एक लंबी स्टोरी है, अंजलि ने जवाब दिया। मैं सुनना चाहती हूं। ईशा सच में इंटरेस्टेड दिख रही थी। अंजलि ने स्टार्ट करने से पहले एक गहरी सांस ली। 11 दिन पहले मैं एमनेसिया से उठी थी। जब से मैं उठी हूं मैं इस मेंशन में हूं। उन्होंने मुझे रिकवर होने में हेल्प की। इसके बदले में मैं कुछ उनकी हेल्प कर रही हूं। अंजलि ने ईशा को पूरी स्टोरी नहीं बताई। अंजलि ने सोचा, जितने कम लोगों को इसके बारे में पता चले उतना अच्छा है। ईशा इस तरह की स्टोरी को सुनकर स्पीचलेस हो गई। उसे थोड़ा गिल्टी फील हुआ। एमनेसिया, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पूछना चाहिए था, ये तुम्हारे लिए पेनफुल होगा। इट्स ऑल राइट, तुम्हें बुरा फील करने की जरूरत नहीं है, मैं इस लाइफ को एंजॉय कर रही हूं, अंजलि ने स्माइल की। ईशा ना चाहते हुए भी उससे पूछती है, क्या वे तुमको कुछ ऐसा करने के लिए फोर्स कर रहे हैं जो तुम नहीं करना चाहती हो? तुम मुझे बता सकती हो? फोर्सिंग मी? मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा। ऐसा नहीं है कि मैं अजय से शादी नहीं करना चाहती, जैसा कि अंजलि ने सोचा। उसका फेस चमकने लगा। क्या तुम बीमार हो? तुम्हारा फेस लाल है, ईशा ने चिंता में कहा। अंजलि ने टॉपिक चेंज कर दिया। उसने पुराने टॉपिक को कंटिन्यू किया। राजीव भाई ने कहा कि उसके दादाजी बीमार थे और वह अपने पोते की वाइफ को देखना चाहते हैं। राजीव भाई ने मुझे अज्जू की वाइफ बनने के लिए कहा। अपना ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए मैं मान गई। क्या उसने सिर्फ अज्जू कहा था? उसने जिंदल फैमिली के सबसे बड़े बेटे को सिर्फ अज्जू कहा? ईशा हैरान रह गई थी। उसने अपने वर्ड्स खो दिए। ईशा ने स्माइल करती हुई अंजलि को देखा। इस लड़की ने अपनी मेमोरी खो दी है, बट फिर भी अपनी एग्जिस्टेंस के लिए लड़ी। उसने खराब फील नहीं किया, बट उसने खुद को इस नई लाइफ के लिए एडजस्ट किया और खुद एंजॉय करने लगी। उसने कभी उसे किसी को अपनी वीकनेस दिखाने नहीं दी। और मैं क्या कर रही हूं? क्या मुझे अपने एग्जिस्टेंस और हैप्पीनेस के लिए लड़ने का राइट नहीं है, जब मेरे पास सबसे पावरफुल आदमी है जो साइलेंटली मुझे सपोर्ट करता है? तो फिर क्यों मैं कोई परेशानी सहन करूं? ये कम से कम मुझे राजीव के लिए करना चाहिए। मुझे अंजलि की तरह फाइट करनी चाहिए। ईशा ने अपने पास बैठी लड़की को एक नए तरीके से देखा। उसका मन कहीं और चला गया। तुम बहुत टफ हो अंजलि, मैं तुम्हारी तरह बनने की कोशिश करूंगी। अंजलि को ऑकवर्ड फील हुआ। ऐसा नहीं था कि वह टफ थी, ऐसा इसलिए था क्योंकि अजय उसे सपोर्ट करता था। उसने उसे सिक्योरिटी का एहसास दिलाया था। जब दोनों लड़कियां अपने अपने ख्यालों में थी तो उनके पीछे एक आवाज आई, सिस्टर अंजू? राजीव ने सरप्राइज टोन में पूछा। अंजलि ने रोमियो को देखा और कहा, मुझे पता चल गया कि तुम क्या खजाना छिपा रहे थे। राजीव को थोड़ा एम्बेरस फील हुआ और जवाब दिया, मैं एक्चुअली तुमको प्रॉपरली जानने के लिए देख रहा था। वह अजीब तरह से हंसा। कितना बड़ा झूठा है ये, अंजलि और ईशा दोनों ने सोचा। अंजलि ने टॉपिक चेंज कर दिया और कहा, राजीव भाई, हम अपनी दोनों फ्रेंड्स के लिए टेंशन में हैं जो कल हमारे साथ थी। क्या तुम चेक कर सकते हो कि वे ठीक हैं? जितनी जल्दी हो सके प्लीज उनका पता लगाओ, ईशा ने चिंता में कहा। राजीव ने ईशा के दूसरी तरफ बैठकर अपना सेलफोन निकाला। उसने जय को कॉल किया। जय जिम में था। उसने उसकी कॉल रिसीव करने में टाइम लगाया। यस? उसने थोड़ी अलग आवाज में पूछा, क्या तुम ईशा और सिस्टर अंजलि की दोनों फ्रेंड्स के बारे में जानते हो? राजीव ने पूछा। एक हॉस्टल चली गई और मिस निया
डॉक्टर विशाल के साथ चली गई। जय ने जवाब दिया। राजीव की आईब्रो ऊपर हो गई। उसने जल्दी से कहा, ओके। फिर कॉल कट कर दिया। उसने दोनों लेडीज को देखा और कहा, वह दोनों सेफ और ठीक है, आपको उनके बारे में अब और टेंशन नहीं लेनी चाहिए। वैसे भी हमारे यहाँ आज रात को एक पार्टी है। अभी आप सोच सकते हैं कि उन सभी खाने की चीजों को कैसे खाना है। अगर आपने एक भी चीज मिस की तो आपको इसका रिग्रेट होगा।